हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 3 इन गुड़गांव। मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग किया नहीं है क्योंकि 2 दिन से मैं इधर उधर पेपर वर्क में था। कुछ भी 30 जून 2024 और टाइम हो गया लगभग 12 और हम आज जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई बाय रोड। प्लान ये है कि 3-4 बजे हम लोग निकलेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रूट, मैट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा रूट लेना है। देर आर 3 to 4 रूट्स टू रीच बैंगलोर। एक हो गया यहाँ से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, नागपुर से बैंगलोर तो मुझे पता है, मैं पहले पहले करा हुआ है तो आई नो दैट रोड। बट यहाँ से नागपुर का मुझे चेक करना पड़ेगा क्या सीन है, मतलब आई होप रोड सर ओके। दूसरा हो गया यहाँ से मुंबई, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। आई माइट टेक दैट रूट यहाँ से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर, लेकिन वो वाला रूट थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा क्योंकि यू नो 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता है शायद। और दूसरा है यहाँ से कोटा होके, राजस्थान कोटा होके आई कैन टेक द बैंगलोर रूट। ये रूट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई एम नॉट डिसाइडेड व्हिच रूट आई एम गोना टेक। इट्स तो ये रही अपनी गाड़ी। गाड़ी हो गया थोड़ा सा गंदा यार, बारिश हुआ है सुबह। वी आर ऑन द एक्सप्रेस वे, ये अपना मुंबई वाला एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई। और हम लोग यहाँ पे रुके हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चाय वाय पिलाएंगे भैया? ये वाला दे दीजिए, अपना कुल्हड़ वाला है ना आपके पास, कुल्हड़ भी लाइए फिर। दो दे दीजिए, दूसरा तो तुम्हें कुल्हड़ भी वो दो। मुझे नहीं बनता, एक कुल्हड़ दे दो, एक नॉर्मल पी दियो। नहीं नहीं नहीं, एक कुल्हड़ दे दो, एक नॉर्मल दे दो फिर। यहाँ पे अगर आप पानी ले रहे हो तो आपको पड़ जाएगा 30 रुपीज। तो ये है रूट आपको फॉलो करना है अगर आप हाईवे पे जा रहे हो मुंबई एक्सप्रेस वे में। अब मतलब सीधा मत चले जाना, सीधा मत चले जाना क्योंकि रास्ता पूरा बना नहीं है। तो पहले आपको लाल शॉर्ट में उतरना है और फिर से आपको एक्सप्रेस वे पकड़ना है क्योंकि बीच में रोड ख़राब है। फिर माधोपुर होके लखेरी होके कोटा जाना है, उसके बाद कोटा से ये दूसरा रूट है, मैं गूगल मैप में डाल दूँगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा एक ब्रेक हो गया चाय वाला। लालसोट कुथुम से ये आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक है रोड, तो आपको लेफ्ट लेना होगा, यहाँ पे एग्जिट लेना होगा। ये है एग्जिट एक्सप्रेस वे से, एंड फिर से एक्सप्रेस वे में चढ़ जाएंगे हम। अभी वो देखना है मुझे मैप में।
As you can see, this is the place we are taking a break here. You can see the mountains over here. खून हो गया अपने हाथों से बहुत मरचंदा मर बे हो। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, क्या करूंगा। कितने कीड़ा सुनो जो ये चवी माधोपुर से ये बंद है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से एग्जिट करना है, देन यू हैव टू गो टू कोटा टोल प्लाजा चीन है। कोटा 125 फ्रॉम हियर ना, हम के लगी ऑलमोस्ट 2 आवर्स बेसी लगवा। पुणे भी नहीं होगी, भोपाल भी नहीं होगी। तो माधोपुर से आपको एग्जिट करना है एक्सप्रेस हाईवे, उसके बाद आप देख सकते हो रोड कंडीशन, सिंगल लेन। आई थिंक कोटा तक ऐसे ही रहेगा, बट आई विल अपडेट। फ्रॉम दिस प्लेस लुक लाइक दिस इज ए टोल एंड दिस गोज टू कोटा। You can see the mountains all over. It looks good, and we might get a new good highway now. Until we reach Bangalore, I'm sure the toll cost will be like 5,000 plus. See this road, this is on the way to Kota, and roads are very beautiful. You can see the mountains all over, or beach mein hai road. So Kota yahan se lagbhag 100 km hoga. Ye kitna hai? Kota 40 to nahi 90 km ha. 90. तो अगर आप दूर देखोगे वहां पे आपको लाल किला दिखाई देगा, जयपुर में नहीं दिख रहा है ठीक से, नहीं हाइट को ही ला। ये देखिए ये है। चलो रोड फैलो लोकसभा अध्यक्ष।
क्या कुछ ऐसे क्या ऐसे की पत्थर थी सी नहीं ऑब्वियसली मतलब ऑथेंटिक ये क्या है रोबोट है क्या भाई चलता है ये चला के दिखाओ यार एक बार वीडियो भी बना दो रोबोट में आएगा सही है यार प्लीज उस साइड बैठो ना तो कहाँ मेरे पास आ रहा है हेलो हेलो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग रुके हैं ये है रोबोटिक वाला रेस्टोरेंट रोबोट से खाना मिल रहा है यहाँ पे मिशन तुम्हे लाल टाइप पसंद नहीं था इधर मिंकी है तो मिंकी हाथ लगाई देखो हाँ लूटा चिंकी अच्छा चिंकी मिंकी है तो रेस्टोरेंट का नाम है रोबोटिक रेस्टोरेंट मिथुन तो गर्लफ्रेंड बताते आपको चिंकी को भेज देना इस बार चिंकी को ही भेज दो एक लेके जा सकते हैं क्या घर अच्छा वो मिंकी से भिजवा देना थोड़ा वो एक ये कोल्ड ड्रिंक्स पनीर रोटी एक जीरा राइस और रहने तो ठीक है हो गया मैनेज कर लेंगे दूसरा ले आओगे और जीरा राइस और एक एक बाउल ऑयल ओह दिस इज द प्लेस वेयर वी हैड फूड हाईवे के बाजू में है फैन को रुचि नहीं है ना फिर कौन बाहर रुचि बुझला प्राइवेट जेब जहां में बसे परवा नहीं चिन्हा तो अच्छा कि रेडी नहीं आए गए इज नॉट रेडी येट कार पार्किंग रेस्टोरेंट फूड कोर्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर सब भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे रहने के लिए रात को होटल वोटल से लेके सब कुछ पेट्रोल पंप नहीं है नहीं रेडी है पेट्रोल पंप चिन्हा तो अकाउंट दे दीजिए ना रेडी हो नहीं हो चिन्हा दे दी अगर इंदौर नहीं रतलम सो आफ्टर 2 किलोमीटर रतलम आएगा
मेरे लिए बना रहा हूँ भाई, चिंता मत कर। रूम कहाँ है आगे? गाड़ी कहाँ रहेगा? भैया आपका नाम क्या है? विराज। विराज, और तुम्हारा होटल का नाम? प्लास। कहाँ से हो? हम तो बाहर के। बाहर मतलब? उधर। तो रूम का कितना लेते हो यहाँ पे? ये जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। कौन सा जगह भैया? प्लास होटल। नहीं नहीं, मतलब ये एरिया का नाम? हाँ? पलास ही है ना, पलास बोलते हैं। अच्छा, ये पलास में रुके हुए हैं औरंगाबाद से पहले। धलू, धोलू या कुछ है ना गाँव अभी? धुल्ले, धुलिया, धुलिया से पहले। अभी यहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए। भाई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तुम्हारा यार।